हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना। चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो एक सबसे बड़ा सबूत जो कि चारापुना आप लोगों के सामने रखेगा। दोस्तों, हम सबको ही सुशांत सिंह राजपूत की केस, दिशा सालियान की केस में कितने सारे प्रूफ, कितने सारे क्या कुछ की बात करते हैं, पर आज मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को ऑन पेपर मैं दिखा दूंगा कुछ चीजें जो कि देख के आप कहेंगे कि हाँ, ये सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये क्या कर दिया है। अल्टीमेटली ये कैसे हुआ है, इतनी बड़ी गलती सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर होता है तो सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस कौन देगा। हम सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की वो टोटल कार्रवाई जो अभी तक हुआ है, जिसको लेके हम नाच रहे थे कि बहुत डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाया गया है 3 साल बाद, तो जिसको लेके नाचना ही था। पर एक इतनी बड़ी गलती जो कि नहीं माना जा सकता, जो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया ने करके बैठा है, अल्टीमेटली जो होना नहीं चाहिए था। तो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि आपके सामने जो पेपर आप फिलहाल देख पा रहे हैं, ये है पीआईएल, यानी यही वो पीआईएल है जिस पीआईएल के माध्यम से सीबीआई की जो मुंह बंद हो गया था वो मुंह को खोला जा सकता था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की दरवाजा खटखटा के जो लोग सुशांत और दिशा सालियान की केस के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सजा भी दिया जा सकता था। पर एक बहुत बड़ा गलती, जो कि मैं कोई छोटा गलती कह ही नहीं सकता, जो कि करके बैठा है और पता नहीं कैसे कर रहे हैं। पर इतना भी मैं एश्योर आप लोगों के सामने कर देता हूं कि मे बी चारापुना के अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है YouTube में जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर काम करता हो, जिसने इस चीज को ढूंढा, जो कि एक मेजर गलती है। और मैं सब किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यह गलती को अगर हो सके तो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की जो मेंबर्स है, उन मेंबर्स को तुरंत इन्फॉर्म करिएगा कि इतनी बड़ी एक गलती हो गया है। अब यह गलती है या फिर जानबूझ के है, इसके ऊपर मैं विश्लेषण पे नहीं जाऊंगा। मैं डायरेक्टली आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर हो सके मैं अपनी एंड से भी कोशिश करूंगा, आप लोगों की एंड से कोशिश करना, ताकि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की जो मेंबर्स है, जो कमेटी है, उनके नजरों में ये चीज आए। तो जिसके कारण इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए, क्या गलती है, बहुत सारे बातें कर लिया, अब गलती क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये है पीआईएल, ये पूरा पीआईएल का पीडीएफ आपके सामने है। इस पीडीएफ का ये सब पेज का जरूरत नहीं है, मुझे जाना है 50 नंबर पेज पे। तो मैं 50 नंबर पेज पे जंप करता हूं। और ये जो 50 नंबर पेज है, ये एक्चुअली चारापोना क्रेडिट नहीं लेगा, इसका क्रेडिट जाता है मेरी भैया को, जिन्होंने मुझे ये जानकारी दिया कि भाई तुम देखे हो कि क्या हुआ है, क्योंकि वो ये सब कुछ पढ़ता है, एकदम बारीकी से पढ़ता है, मैं ये सब नहीं करता। तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट को बहुत ही बारीकी से रात जाग के पढ़ता है ये सब चीज को। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस चीज के ऊपर एक बार फोकस करो। 50 नंबर पेज जो कि आप देख सकते हैं, ये है 50 नंबर पेज इस पीआईएल का। तो इस पीआईएल में गलती कहां हुआ है, तो इस जगह पे आप देखिए कि रिया चक्रवर्ती हु वाज रेसिडिंग इन सुशांत सिंह राजपूत फ्लैट मूव फ्रॉम देयर ऑन द डे ऑफ दिशाज एलेक्ड मर्डर, दैट इज ऑन 8 जून 2023। यानी दिशा सालियान की मर्डर हुआ है जून 8, 2023 में। हाँ, क्या आप यकीन कर पा रहे कि कोर्ट के तरफ से सबमिट किया हुआ पीआईएल में इतनी बड़ी एक गलती। अगर कोई दूसरा कुछ गलती था तो वो भी सही होता, अगर मानिए कि ये जो कॉल टाइमिंग से वो 44 के जगह 40 कर देता, अगर 20 भी कर देता फिर भी कुछ नहीं प्रॉब्लम होता। पर ये क्या, ये जून 8, 2023, मतलब अगर दिशा सालियान की केस जून 8, 2023 में होगा तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की केस भी तो जून 14, 2023 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस जगह पे आप कह सकते हैं कि चारापोना क्यों बकरा खड़ा कर रहे हो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक कितना भी हो, आप देखिए बगल में नोटरी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैम्प भी लगा हुआ है, यानी ये जो पेपर है ये पेपर अप्रूव हो चुका है। अब अगर इस पीआईएल के अनुसार कार्रवाई करना होगा तो इसी डेट को मद्देनजर रखते हुए, यानी जून 8, 2023 को दिमाग में रखते हुए ही इस केस को आगे लेके जाना होगा, क्योंकि नोटरी ने जो स्टैम्प कर दिया है और हर एक पन्ने पे स्टैम्प किया गया है, तो इस जगह पे कोई कुछ नहीं कह सकता। अब अगर इस पेपर को कैंसिल करना है, अगर ये पेपर को कैंसिल करके नया करके नोटरी करके फिर से पीआईएल डालने की कोशिश करेंगे,
तो सब के सब प्रोसेस नया करके करना होगा, और पता नहीं वो नया पीआईएल जो डालने के लिए जाएंगे वो पीआईएल एक्सेप्ट होगा भी या फिर नहीं, क्योंकि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया ने इतना बात तो हम लोगों के सामने कह दिया कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, पैसे लेके सूटकेस में पैसा भर भर के बैठे हुए हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट की जज वकील को खरीदा जाए। तो इस जगह पे जब इतना कष्ट करके एक पीआईएल डाला गया है जिस पीआईएल के ऊपर डिपेंड कर रहे दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की केस, उस पीआईएल में अगर इतनी बड़ी मात्रा में एक मिस्टेक रहेगा, मतलब दोस्तों कि आप समझ सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली इसका अहमियत समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती हो चुका है। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि ये होना नहीं चाहिए था। अल्टीमेटली जब पीआईएल रेडी किया जा रहा है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक डेट जब लिखा जा रहा है तो उस डेट के ऊपर ध्यान देना होता है, ताकि डेट कभी इधर उधर ना हो। बाकी का डेटा में अगर कुछ इधर उधर हो भी जाते हैं तो वो भी सही है, पर अगर डेट में इधर उधर हो जाते हैं तो पूरी की पूरी कहानी यानी पूरी की पूरी जो घटना है वो घटना आप देखिए सोच के पूरा बिखर जाएगा। और दोस्तों अभी ये वीडियो देखने के बाद आप बताइए कि आपको क्या महसूस हो रहा है कि अल्टीमेटली क्या ये पीआईएल लेके अगर कोर्ट को सबमिट किया जाएगा तो अल्टीमेटली ये गलत पीआईएल के ऊपर अगर केस कार्रवाई होगा, अगर इसके ऊपर अगर अगले प्रोसेस जो है वो सब कुछ होगा तो क्या इसका रिजल्ट सही से निकल के आएगा। तो बस दोस्तों जो कहना था वो मैं आप लोगों के सामने रखा, बाकी अभी आप लोगों के ऊपर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कैसे भी हो ये चीज को ये मिस्टेक को हमें सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रखना ही है कि ऐसा एक मिस्टेक 50 नंबर पेज पे हो चुका है, काइंडली अगर हो सके तो इसको सही करिए। और आई होप दोस्तों कि इस मामले में आप लोग जरूर सहायता करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के मेंबर के पास कम से कम ये वीडियो पहुंचे और वो लोग देखे कि अल्टीमेट सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियन की केस के रिगार्डिंग एक कितनी बड़ी गलती को लेके हम कोर्ट के सामने जा रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। क्योंकि सुशांत और दिशा के केस में पेपर जो है वो एकदम अप टू डेट डॉट टू डॉट होना चाहिए, कहीं पे कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, खास करके डेट्स के ऊपर। क्योंकि एक भी डेट अगर इधर उधर हो गया तो सुशांत और दिशा की केस को वाट लगाने के लिए एक सेकंड का भी टाइम किसी को नहीं लगेगा, क्योंकि एडवोकेट्स जो होते हैं बहुत चालाक होते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जगह ढूंढते हैं कहां से वो लोग हाथ घुसा पाए। तो बस दोस्तों इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिए। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे, टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।